Very good morning. I am Dr. Dinesh Kumar और मैं नीट बायोलॉजी पर YouTube के अंदर वीडियो डालता रहता हूँ, काफ़ी डिटेल और काफ़ी एग्जॉस्टिव नोट्स भी देता हूँ उसमें, तो आप इसे देखेंगे। आज जो हम आपके पास लेके आए हैं वो है क्लास 12th का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो नीट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। आज के क्लास में हम आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, और थोड़ा सा प्यूबर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के डिटेल पर चलेंगे, जो इसकी एनाटॉमिकल पार्ट है, फिजियोलॉजिकल पार्ट है, उस सब को डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको हम थोड़े से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और प्यूबर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं। चैप्टर है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये नीट क्लास 12th का होगा। नीट में क्लास 12th को मिल सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले ह्यूमन क्या है? ह्यूमन एक डाइमॉर्फिक कंडीशन है इसके अंदर। डाइमॉर्फिक का मतलब यूनिसेक्सुअल कंडीशन, मतलब सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब मेल बॉडी एक अलग, मेल सेक्स ऑर्गेन एक अलग बॉडी में और फीमेल सेक्स ऑर्गेन एक अलग बॉडी में होता है। ठीक है, तो हम पहला लाइन लिखते हैं कि ह्यूमन जो है वो कैसा है, सो देखते हैं। यहां लिखते हैं ह्यूमन, जो ह्यूमन है, इन ह्यूमन सेक्सेस आर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट, आपको सेपरेट है और डिस्टिंक्ट है। अब यहीं पर एक टर्म है, मोनोसियस डायोसियस का केस आप जानते हैं। मोनोसियस का मतलब है एक ही बॉडी में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होना, मतलब बाईसेक्सुअल कंडीशन। और एक है डायोसियस कंडीशन, मतलब दो अलग अलग बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन होंगे, मतलब यूनिसेक्सुअल कंडीशन। तो ह्यूमन क्या है? ह्यूमन है, ह्यूमन्स आर यूनिसेक्सुअल, जो कि हमने पहले लिखा यूनिसेक्सुअल, दैट मीन्स डायोसियस कंडीशन है, डायोसियस कंडीशन, या हम इसको डाइमॉर्फिक कंडीशन भी बोलते हैं, या सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। आइए थर्ड पॉइंट लिखते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब हुआ, दिस इज अ फेनोमेना ऑफ फिनोटिपिक डिफरेंसेस। क्या लिखेंगे? फेनोमेना ऑफ फिनोटिपिक, फिनोटिपिक मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस के द्वारा, फिनोटिपिक डिफरेंसेस बिटवीन, ऐसे बिटवीन लिखते हैं, मेल एंड फीमेल। जी हां,
जब एक्सटर्नली मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश किया जा सके, ऐसे फेनोमेना को बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सो फेनोमेना ऑफ फिनोटिपिक डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल आर कॉल्ड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इसको बोलते हैं। अब देखिए, आपका है इसके अंदर में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन जो चीज है वो इसका है सेक्सुअल सेक्स ऑर्गन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में दो प्रकार के सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। हम इसको ही मेंशन करते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में टू टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट। दो प्रकार के सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हैं ह्यूमन के अंदर। अभी दो प्रकार कौन कौन है, एक है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा है, पहला नंबर पे है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब ये सवाल यहां है, दूसरा भी हम लिख लेते हैं यहां पर, या इसको ऐसे लिखा जाए, यहां पर ऐसे कर देते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब यह है कि वैसा ऑर्गन जो गैमिट प्रोड्यूस करता हो, और जब गैमिट प्रोड्यूस करेगा तो गैमिट के मेंटेनेंस के लिए, ग्रोथ के लिए वहां पर हार्मोन का भी सिक्रेशन होगा। तो हम इसको ऐसे कहेंगे कि दोज ऑर्गन व्हिच प्रोड्यूसेस गैमिट्स एंड सिक्रीट हार्मोन्स। ठीक है, तो हम यहां पर इसको लिख लेते हैं, दोज ऑर्गन्स व्हिच प्रोड्यूसेस गैमिट्स एंड सीक्रेट्स हार्मोन्स। सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। देखिए, कहा कि डायरेक्टली इनका इन्वॉल्वमेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं है, ये गैमिट फॉर्मेशन में नहीं है, दे डू नॉट प्रोड्यूस गैमिट्स एंड हार्मोन्स, बट दे असिस्ट, कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, राइट। सो इसको भी मेंशन कर लेते हैं, दोज ऑर्गन्स व्हिच Do not produce gametes and not secrete hormones, but they assist करते हैं, support करते हैं इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। पहले इसका एग्जाम्पल लीजिए, अब इसका एग्जाम्पल मेल में ऑफकोर्स टेस्टिस है, फीमेल में ओवरी है, और इनका मेल के अंदर में पेनिस है,
कॉपर्स ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, वासा इफरेंसिया है, वासा डिफरेंस है, एपिडाइडमिस है। तो यहां पर सेकेंडरी है। अब हम इसको मेल और फीमेल में करके आगे लिखते हैं आपके सामने। ओके चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। यह एक डेफिनेशन हुआ, यह जानकारी हुई आपको कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं, राइट। अब हम आपको बताते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहां, मतलब मेल में कौन है, फीमेल में कौन है। तो यहां पर लिखते हैं पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, बस इसको ऐसे समझ लीजिए, यहीं पर बात कर लेते हैं दो भाग में। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में इज टेस्टिस। टेस्टिस को हम ऐसे प्लूरल में लिखते हैं, सिंगुलर में ऐसे लिखते हैं इसको, टेस्टिस। टेस्टिस प्रोड्यूसेस, टेस्टिस प्रोड्यूसेस स्पर्म, ऐसा लिखना चाहिए, मेल गैमेट, मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म। हम लोग बहुत यूज्ड टू हैं इसके बारे में, इसलिए डायरेक्ट हम लोग स्पर्म ही बोलते हैं, बट इसको ऐसे लिखा जाना चाहिए कि मेल का जो गैमिट है वो स्पर्म है, राइट। दूसरी चीज, टेस्टिस सिक्रीट्स, सिक्रीट्स व्हाट, टेस्टिस सिक्रीट करता है, टेस्टिस सिक्रीट्स टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। और इस टेस्टोस्टेरोन का क्या काम है, सो यहां देखिए, टेस्टोस्टेरोन का काम है जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है उसके डेवलपमेंट, उसके मेंटेनेंस, उसके ग्रोथ का काम करते हैं ये टेस्टोस्टेरोन। और दूसरा स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हेल्प करते हैं, स्पर्म बनाते हैं। तो यहां पर दो बातें लिखते हैं, टेस्टोस्टेरोन का काम है स्पर्मेटोजेनेसिस, फंक्शन यहां लिख देता हूं, स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा हेल्प्स इन ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, इसके बढ़ने में इनका रोल है, ठीक है। तो हमने मेल में कहा कि मेल में क्या है, तो दो बातें कहा कि टेस्टिस है ये, दूसरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो हमने कहा था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसे कहते हैं जो गैमिट बनाते हो और दूसरा हार्मोन सिक्रेट करते हो। तो ये बात क्लियर हो गई मेल के अंदर में। अब फीमेल के अंदर में क्या बात है, फीमेल का जो, फीमेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है ओवरी या ओवरीज, ओवरी। और ओवरी दो काम करेंगे, ओवम गैमिट है, फीमेल गैमिट, तो ये यहां लिखेंगे प्रोड्यूस, प्रोड्यूसेस फीमेल गैमिट्स, फीमेल गैमिट्स प्रोड्यूस करेंगे, फीमेल गैमिट्स को बोलेंगे, फीमेल गैमिट्स कॉल्ड ओवम,
तो ओवम ओवरी से सिक्रीट होगा, प्रोड्यूस होगा, एंड ओवम ओवरी ही क्या प्रोड्यूस करेगा, क्या सिक्रीट करेगा, तो यहां लिख देते हैं सिक्रीट्स। कई प्रकार के हार्मोन है, हार्मोन की, लेकिन मेन जो है वो है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो सिक्रीट्स मैं एक दो का नाम लेता हूं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, सॉरी हां प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन, ये थोड़ा जगह कम है, प्रोजेस्टेरोन राइट। अब इसका भी क्या काम है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का भी काम है फीमेल के अंदर, फीमेल गर्ल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गेन का डेवलपमेंट कराना, जैसे फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, विजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मेमरी ग्लैंड, इन सब का डेवलपमेंट के लिए ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो हम इसका एक लाइन में फंक्शन लिखना चाहें, फंक्शन क्या लिखेंगे, पहला चीज ये तो ओवम बनाने में हेल्प करेंगे। ओवम बनाने में क्या, ओवम का जो फॉलिकल है उसके डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो हम एक बार लिख देते हैं ऊजेनेसिस, दूसरा हेल्प इन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो ये बातें हमारी हुई प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। तो मेल के अंदर है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है, फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। राइट, अब बात करते हैं नाउ नंबर टू पे हमारा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन फिर उसी तरीके से मेल में और फीमेल में, मेल के अंदर और फीमेल के अंदर। कौन कौन से हैं उसको हम देखते हैं। देखिए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन मेल्स, हमने डिफाइन पहले कर दिया है कि जो गैमिट बनाने में और हार्मोन के सिक्रीट करने में कोई रोल नहीं है उनका, लेकिन फिर भी ये जरूरी है, इसेंशियल है। तो वैसे मेल के अंदर में कौन कौन से है मैं इसका एग्जाम्पल लिख रहा हूं। नंबर वन पे अब देखिए टेस्टिस चलते हैं। टेस्टिस के अंदर में जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल है वहां से स्पर्म बनना शुरू हुआ, तो पहले कहां जाएंगे, रिटेट टेस्टिस से आगे बढ़ेंगे भाषा इफेरेंसिया, एपिडाइडेमिस भाषा डिफरेंस, फिर उसके बाद में सेमिनल वेसाइकिल आएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड आएंगे, कॉपर्स ग्लैंड आएंगे, और उसके बाद में यूरेथ्रा मतलब यूरिनोजेनाइटल डक्ट मतलब डक्ट सिस्टम भी और पेनिस भी। तो इसको हम लिखते हैं भाषा इफेरेंसिया, दूसरा एपिडाइमिस, तीसरा हमारा हो जाएगा वासा डिफेरेनस, उसके बाद वहां से आइए वासा जो सेमिनल वेसाइकिल मतलब जो ग्लैंड्स है सेमिनल वेसाइकिल, प्रोस्टेट ग्लैंड्स दे आर सपोर्टिंग कॉपर्स ग्लैंड,
पेनिस, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है मेल के अंदर, फीमेल के अंदर, फीमेल के अंदर में आप देखिए फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब जिसको कि हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो साइट प्रोवाइड तो फैलोपियन ट्यूब किया, बट दे आर नॉट सिक्रेटिंग गैमेट्स, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग गैमेट, दे आर नॉट सिक्रेटिंग हार्मोन्स, दैट्स व्हाई दे आर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। यूट्रस, यूट्रस में ही एम्ब्रियो बनना है, वही डेवलपमेंट होना है। यूट्रस, विजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया जितना भी चाहिए, फिर वो ले लीजिए ग्लैंड्स, बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड और भी कई प्रकार के मैमरी ग्लैंड और भी कई प्रकार के एक्सेसरी ग्लैंड होते हैं। तो ये आप समझिए कि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है ये, और इसी से फिर जुड़ता हुआ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, हम उसको भी देखेंगे प्यूबर्टी के बाद में देखेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे प्यूबर्टी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, कि मेल के अंदर में क्या क्या चेंजेज आते हैं प्यूबर्टी के बाद और फीमेल में क्या क्या चेंज आते हैं उसको हम देखेंगे आगे की क्लास में। आज की क्लास में हमने आपको डिस्कस किया प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन। थैंक यू वेरी मच।